और वो कैट के घर चला जाता है। वहाँ जाकर मैनेजर कैट के साथ पलंग तोड़ समाधि में लीन हो जाता है। उसके बाद कैट हेलम को अपने घर ले जाकर इंटीमेट होने के लिए प्रेरित करने लगती है। हेलम फोक फिल्म की शुरुआत हेलम के ट्री हाउस से होती है, जहाँ से वो एक कपल को इंटीमेट होते हुए देख रहा है। वो उन्हें देखकर अपनी डायरी में कुछ लिख लेता है। उसके बाद हेलम अपने आप को जंगली भेस में डालकर उस कपल के बीच कूद जाता है। वो लड़का लड़की वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। उसके बाद हेलम घर आकर देखता है कि उसकी बहन लूसी ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही है। शाम को हेलम, लूसी, उनकी सौतेली माँ वैरिटी और पिता जूलियस खाना खाने बाहर चले जाते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि हेलम और वैरिटी के बीच ज्यादा बनती नहीं है। खाना हो जाने के बाद लूसी हेलम को पब बुलाती है, पर वो उसके साथ जाने की बजाय घर जाना पसंद करता है। घर जाते वक्त हेलम देखता है कि एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। हेलम इस बात को भी अपनी डायरी में लिख लेता है। अगली सुबह लूसी जाने के लिए निकलती है। हेलम चोरी छुपे लूसी को देख रहा होता है। लूसी उसे काफी ढूंढने की कोशिश करती है, पर हेलम सामने नहीं आता। उसके बाद लूसी ऑस्ट्रेलिया निकल जाती है। हेलम फिर से अपनी ट्री हाउस आता है और पिन से ताला खोलने की प्रैक्टिस करने लगता है। थोड़ी देर बाद वैरिटी उसे लंच के लिए बुलाती है। हेलम अपने चेहरे पर रंग लगाकर खाना खाने आ जाता है। ये सब बातें उसके परिवार के लिए नई नहीं थी। वैरिटी और जूलियस उसे लंदन भेजना चाहते थे, क्योंकि हेलम की उम्र का यहाँ पर अब कोई नहीं है। वो दोनों उसे समझाते हैं कि अगर वो लंदन जाएगा तो नए दोस्त भी बना सकता है, पर हेलम मना कर देता है। लंच के बाद हेलम फिर से जंगल में जाता है, जहाँ नदी में उसे एक नाव मिलती है। इसी नाव में उसकी माँ की मौत हुई थी। नाव के बारे में बताने हेलम अपने पिता के पास जाता है, तो वहाँ पर जूलियस वैरिटी को समझा रहा होता है कि समय के साथ हेलम उसे अपना लेगा। वहाँ से हेलम जूलियस को लेकर नाव के पास ले जाकर पूछता है कि क्या आप दोनों ने मिलकर मेरी माँ को यहाँ डुबाया था। जूलियस उसे कहता है कि तुम्हारी माँ यहाँ स्लीपिंग पिल्स खाकर आई थी और उसी की वजह से वो डूब गई। जबकि हेलम को अभी भी यही लगता है कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार जूलियस और वैरिटी ही है। इस सब के बाद जब हेलम अपने ट्री हाउस में आता है, तो वो देखता है कि किसी ने उसके हाउस में तोड़फोड़ की है और उसकी माँ के फोटो को भी रंग दिया है। अगली सुबह हेलम अपना सारा सामान ट्री हाउस से अपने घर लाकर रख देता है। उसी के बीच लूसी का उसे फोन आता है, तो वो सामान वैसे ही छोड़ के फोन पर बात करते हुए घर के बाहर चला जाता है। यह वैरिटी हेलम की डायरी पढ़ लेती है और उसकी कॉपीज निकाल लेती है। उसके बाद वैरिटी हेलम से मिलने ट्री हाउस जाती है। वहाँ वो हेलम को उसी की डायरी पढ़कर सुनाने लगती है, जिसमें वैरिटी और जूलियस के बीच हुए गुटरगू के बारे में लिखा होता है। वैरिटी उसे पुलिस की धमकी देती है। गुस्से में हेलम उसका गला दबोच लेता है। वैरिटी वहां से जाते हुए उसे समझाती है कि अब तुम्हें सब भूलकर नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। अगले दिन हेलम बिना किसी को कुछ बताए शहर छोड़ के चला जाता है। उसे घर से कॉल आने शुरू होते हैं, तो वो सिम तोड़ कर फेंक देता है। हेलम रास्ते पर एक औरत को देखता है जो हूबहू उसकी माँ की तरह दिखती है। हेलम उसका पीछा करते हुए एक होटल पहुंच जाता है। वो औरत वहां काम करती है। हेलम अंदर जाकर उसे काम के लिए पूछता है। वो औरत उसे काम पर रख लेती है और उसका नाम केट होता है। हेलम को किचन में डिश साफ करने का काम दिया जाता है। वह उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम रेमंड है, जो उसके साथ काफी सख्ती से पेश आता है। काम से छूटने के बाद हेलम फिर से केट का पीछा करता है और उसके घर पहुंच जाता है और खिड़की से अंदर केट को देखने लगता है। अगले दिन हेलम उठ के काम पर निकल जाता है, जहाँ उसकी रेमंड के साथ अब काफी अच्छी बंदी है। काम के बाद फिर से वो केट का पीछा करता है। हेलम देखता है कि कैट जूडो क्लास में बिजी है, तो वो कैट के घर चला जाता है। हेलम देखता है कि कैट की खिड़की से होटल का क्लॉक टावर साफ दिखाई दे रहा है। इतने में कैट घर आती है और हेलम खिड़की से बाहर चला जाता है। अगले दिन फिर से हेलम उठ के काम पर चला जाता है। ब्रेक में वो होटल के क्लॉक टावर में आता है और देखता है कि यहाँ से भी कैट की खिड़की साफ दिखाई दे रही है। उसके बाद उस टावर को ही वो अपना घर बना लेता है और दिन रात दूरबीन से कैट की जासूसी करने लगता है। एक दिन वो देखता है कि कैट के साथ उसके घर कोई आया है। हेलम और नजदीक जाकर देखता है, तो वहां पर कैट और होटल मैनेजर इंटीमेट हो रहे होते हैं। उनकी बातों से उसे पता चलता है कि मैनेजर शादीशुदा है। फिर वहां से हेलम अपने काम पर लौट आता है। एक दिन मैनेजर हेलम को क्लॉक टावर में पकड़ लेता है, तो हेलम उसे बताता है कि उसकी और कैट के बारे में उसे सब पता है। मैनेजर हेलम को काम से निकाल देता है, पर मैनेजर घर आकर देखता है कि हेलम वहीं पर उसके बीवी बच्चे के साथ है और डर कर वो फिर से हेलम को काम पर रख लेता है। हेलम फिर से काम ज्वाइन कर लेता है और कुछ ही दिनों में उसकी प्रमोशन होकर उसे रूम सर्विस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। एक रात जब हेलम कैट के घर के खिड़की से उसे देख रहा होता है,
मैनेजर क्लॉक टावर से उसे देख लेता है और वो केट के घर चला जाता है। वहां जाकर मैनेजर केट के साथ पलंग तोड़ समाधि में लीन हो जाता है। हेलम ये सब देख रहा होता है और मैनेजर भी हेलम को देखने लगता है। हेलम क्लॉक टावर जाकर अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। अगले दिन हेलम का बर्थडे है। केट उसे आकर विश करती है। हेलम बेहद खुश हो जाता है। फिर काम हो जाने के बाद केट हेलम और उसका सीनियर एंडी ड्रिंक करने जाते हैं, जहाँ एंडी मैनेजर और केट के अफेयर की बात छेड़ता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद केट हेलम को अपने घर ले जाकर इंटीमेट होने के लिए प्रेरित करने लगती है, पर हेलम केट से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हो सकता, पर तुम्हारे साथ सिर्फ सोना पसंद करूंगा, और वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन केट को हेलम के स्पाई करने के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे काम से निकाल देती है। इसके बाद केट जब होटल पहुंचती है तो हेलम वहीं पर खड़ा होता है। केट उसे अपने घर ले जाती है और उसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। हेलम उसे बताता है कि उसकी माँ के मरने के बाद वो अकेला रहने लगा था और वहीं से उसको लोगों को स्पाई करने की आदत लग गई। हेलम की सारी बातें सुनकर केट उसे काम पर फिर से रख लेती है और उसी के घर रहने को कहती है। हेलम का सामान केट के घर पर ही होता है। हेलम उसे अपनी माँ की फोटो और ड्रेस दिखाता है। केट वो ड्रेस पहनकर हेलम को दिखाती है, जिसे देखकर वो बेहद इमोशनल हो जाता है। अगले दिन हेलम केट को सिखाता है कि लोगों को वो कैसे स्पाई करता है और वो उस एक्टिविटी को बेहद इंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों होटल के काम करने लौट आते हैं। होटल आकर हेलम को पता चलता है कि जूलियस और वैरिटी उसे ढूंढते हुए होटल आ चुके हैं। जूलियस और वैरिटी उसे मिलके बताते हैं कि उनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है और वो चुकाने के लिए उन्हें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर हेलम की दस्तखत चाहिए। हेलम उन्हें मना कर देता है। वैरिटी गुस्से में हेलम को बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। हेलम को वैरिटी की बातों का बुरा लगता है और वो भी ट्रेन पकड़ के अपने घर चला जाता है। घर पहुंच के हेलम वैरिटी के साथ हाथापाई करने लगता है। उसके पिता के पैर में चोट होती है, इसीलिए वो उसे रोक नहीं पाते। हेलम वैरिटी के साथ पैर और मुंह बांध कर उसे पानी में फेंक देता है, पर तुरंत उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वैरिटी को पानी से बाहर निकलता है। वैरिटी वहां से चली जाती है और जूलियस वहां पहुंच जाता है। जूलियस उसे बताता है कि दरअसल जूलियस और उसकी माँ के बीच झगड़े बढ़ने लगे थे और इसी कारण हेलम की माँ ने आत्महत्या कर ली थी। सारी बातें सुनने के बाद हेलम वैरिटी को माफ करके सारी बातें भूल जाता है। सब कुछ हो जाने के बाद हेलम कैट से मिलने उसके घर जाता है। कैट भी उसे देखकर काफी खुश होती है, पर अब तक कैट किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी होती है। हेलम को इस बात का बुरा नहीं लगता और कैट से वो कहता है कि 5 साल बाद वो फिर आकर उसे प्रपोज करेगा। कैट उसे कहती है कि वो इंतजार करेगी। फिर हेलम वहां से चला जाता है और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है।